रावगढ़ रेल परियोजना के कार्य आधार में रुक जाने से बस्तर वासियों ने अपना विरोध करना शुरू कर दिया है। जगदलपुर रेलवे स्टेशन में 72 समाज और एक दर्जन से भी अधिक संगठनों ने धरना देकर रेल मंत्रालय के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते हुए गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन किया है। आजादी के 75वें साल तक रेलवे ने केवल बस्तर का दोहन ही किया है और अरबों खरबों की कमाई रेलवे केवल बस्तर से ही कर रहा है और आज तक बस्तरवासी और रेलवे सुविधा से लगातार वंचित हो रहे हैं। ऐसे में भी समाजों व संगठनों ने केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय से कहा है कि अब हम अपने हक के लिए चुप नहीं बैठेंगे। आपको बता दें कि इस परियोजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2022 तक जगदलपुर से रावलघाट तक रेल लाइन बिछाने के लिए MOU भी रेल NMDC और सेल के बीच करवाया था, लेकिन रेल मंत्रालय के सुस्त रवैये के चलते केवल रावघाट तक का ही काम करवाया गया है और आगे का यह काम छोड़ दिया गया है। माँ दंतेश्वरी के आशीर्वाद से चैत्र नवरात्र में हम सभी सामाजिक संघ संगठनों के द्वारा एक पद यात्रा प्रारंभ की गई थी। उस समय रमजान का पावन पर्व भी पड़ा था, तभी से हमको ये उम्मीद थी कि बस्तरवासियों की यह मांग जो रावघाट रेलवे लाइन का विस्तार के लिए लड़ी जा रही है, साथ ही कोरोना काल में जो बंद की गई दुर्ग इंटरसिटी एक्सप्रेस जिससे यात्रियों को बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है, यह ट्रेन जल्द से जल्द शुरू हो जानी चाहिए थी, क्योंकि कोरोना काल के बाद से सभी यात्री ट्रेनों को यथावत रूप से प्रारंभ कर दिया गया, परंतु हम बस्तरवासियों का यह दुर्भाग्य है कि अभी तक हमको इस ट्रेन से वंचित रखा जा रहा है, जिसके कारण सभी छात्र हों छात्राएं हों यहाँ के जितने जो हैं शिक्षा चिकित्सा व्यापार के लिए जो यथावत बाहर जाते हैं उनको यात्री सुविधा नहीं मिल पाती। बसों की लगातार मनमानी बढ़ती जा रही है, किराए बढ़ते जा रहे हैं, तो जिससे एक सामान्य आदमी के ऊपर एक अनावश्यक बोझ बढ़ता जा रहा है। हम लोग रेल मंत्री जी से विनम्र आग्रह कर चुके, आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी को भी पत्र प्रेषित कर चुके कि आप लोग जो लगातार कोरापुट जयपुर एवं तेलंगाना जैसे स्थानों को आप लोग ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, जबकि बस्तर से इतना बड़ा आप लोग को जो संसाधन रेलवे के माध्यम से आपको इतना मुनाफा जो मिलता आ रहा है NMDC के माध्यम से, इसको जल्द से जल्द आप लोग यहाँ के लोगों का पैसा यहाँ पे ही आपको उसको यूज़ करना चाहिए और यहाँ के लोगों को यह सुविधा दी जानी चाहिए। अब बस्तरवासी लगातार उनका जो आक्रोश है जो BRPL की अभी लगातार इस चीज़ से अपना हाथ हटाना कि हम लोग आगे का किसी प्रकार का विस्तार में साथ नहीं देंगे। हमारा रेलवे बोर्ड और रेलवे मंत्रालय को यही बोलना है कि आप लोग किसी भी कंपनी किसी भी एजेंसी के माध्यम से यह काम को शुरू करवाइए, अन्यथा बस्तरवासियों का जो गुस्सा है कहीं पर वह आर पार की लड़ाई के ऊपर प्रेषित ना हो जाए। देखिए, आज का हमारा धरना बिल्कुल शांतिपूर्ण है। आज के धरना प्रदर्शन और संविधान के दिवस के दिन पे हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की बोली बात को हम दोहराना चाहते हैं कि 2015 में उन्होंने बोला था कि 2022 तक जगदलपुर तक हम रेल बिछाएंगे, लेकिन रेल विभाग ने पूर्व की तरह रेल के अफसरों ने वही षड्यंत्र किया जो बस्तर के साथ पिछले 60 सालों से होता आ रहा है। बस्तर में इन्होंने रेल की पटरी वहीं तक बिछाई जहाँ तक इनको लोहा चाहिए। आप देख सकते हैं कि दिल्ली राजहरा से जो जगदलपुर तक जब देश के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी तो पूरे जनता में एक उत्साह था कि 2022 तक रेल कंप्लीट होगा, लेकिन इन्होंने कहां तक पटरी कंप्लीट किया? रावघाट तक। रावघाट के पीछे अब जनता समझ रही है, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट का और कुछ जो निजी वहां के लोहे खदान है उनके परिवहन के लिए आपने एक सुविधा उपलब्ध करवाया है जहाँ से रेलवे को भी अरबों की कमाई होगी और सेल को भी। हमारा भारत सरकार से ये निवेदन है, आज शांतिपूर्ण आंदोलन, चूँकि समाज के सर्वसम्मति से जो निर्णय होता है हम वही निर्णय लेना चाहते हैं। समाज ने ये बोला कि, और समाज ये पूछना चाहता है बस्तर का कि क्या बस्तर के लोगों का सीधा साधा होना सरल होना अपराध है? उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान अन्य उन तमाम प्रदेशों में जहां की जनता अपने अधिकार के लिए पटरियां उखाड़ देती हैं रेलों में आग लगा देती हैं तब सरकार बड़ी संवेदनशीलता से उस गंभीरता से लेती है, लेकिन संविधान में जो अहिंसा जो कानून का पालन करता हुआ बस्तरवासी है उस बस्तरवासी के साथ 75 वर्षों के बाद भी इतनी पीड़ा? किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जब तक आवागमन सुदृढ़ नहीं होगा उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता, ये देश के हमारे सारे प्रबुद्ध जन जानते हैं।